नीमच जिला चिकित्सालय वैसे तो आए दिन कुछ एक चिकित्सकों के बुरे बर्ताव और इलाज में लापरवाही के चलते सुर्खियों में बना रहता है, परंतु इसी जिला चिकित्सालय में कुछ डॉक्टर ऐसे भी मौजूद हैं जो अपने काम को ही सब कुछ मानते हैं और उनका मकसद किसी भी प्रकार से केवल पीड़ित मरीज की जान बचाना ही होता है। उपकरण और संसाधनों की कमी के बावजूद डॉक्टर मरीज को हर प्रकार से राहत प्रदान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया है, जिसमें महिला चिकित्सक ने खुद गर्भवती होने के बावजूद 24 घंटे की सेवा देने के बाद भी मनासा से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर की गई गर्भवती महिला की हाई रिस्क ऑपरेशन किया है और जच्चा बच्चा दोनों की जान बचाई है। मामले में महिला के पति ने बताया कि पूजा को मनासा से गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था। यहाँ आने के बाद डॉक्टर की ड्यूटी समाप्त हो गई थी, परंतु फिर भी उन्होंने खुद गर्भवती होने के बावजूद भी उनकी पत्नी का बेहतर उपचार किया है और बड़ा ऑपरेशन किया। यदि यहां से उसे रेफर किया जाता तो दोनों में से किसी की भी जान जा सकती थी। महिला डॉक्टर लाड ढाकड़ द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित है। सर, हम 3 तारीख को मनासा शिफ्ट हुए थे, तो मनासा पूरी रात भर रोका मैडम ने, और सुबह मॉर्निंग यानी मॉर्निंग में मना कर दिया कि इसको नीमच ऑफर कर दिया। तो नीमच यहाँ आए थे तो मैडम की ड्यूटी खत्म हो गई थी 8 बजे, फिर भी गंभीर समस्या थी और यहाँ से बच्चे ने लेटरिंग भी कर दी थी अंदर, तो फिर रेफर करने जैसी हुई स्थिति थी। तो लेकिन मैडम ने ओवर टाइम ड्यूटी करके हमारा काम और माँ और बच्चे को दोनों को सुरक्षित रखा है। क्या ऑपरेशन वगैरह हुआ है? हाँ, बड़ा ऑपरेशन हुआ है। महिला को क्या ब्लीडिंग मैं ब्लीडिंग रुकने का जो टाइमिंग था वो सर नॉर्मल नहीं था, वो डबल था। जो नॉर्मल जो रहता है 9 मिनट का, वो इसका रिपोर्ट में 17 मिनट आ रही थी। और जब स्टाफ ने भागदौड़ के जल्दी में जांचें करवाई, उस टाइम वो बच्चे की धड़कन भी ख़राब हो रही थी। जांचों में भी मरीज को खून देरी से रुकने का प्रॉब्लम आया था, जिसे हम कोएगुलेशन प्रोफाइल अल्टर बोलते हैं, और इन्फेक्शन भी आया था। ऐसी यूजुअली सर्जरी हमारे यहाँ पर करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि ICU वगैरह बैकअप नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो उस दर्द को समझ के ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी रुक के मैंने किया सर्जरी। अभी बच्चा मदर दोनों स्वस्थ हैं। महिला की प्रसूता की क्या स्थिति थी, कितनी क्रिटिकल थी, उसको अगर उदयपुर रेफर किया जा सकता था तो उसकी क्या स्थिति बनती है अगर उसको रेफर करते? तो रेफर करते तो बच्चे की धड़कन ख़राब हो रही थी, रास्ते में बच्चा ख़त्म भी हो सकता था, और कोएगुलेशन प्रोफाइल अल्टर आया। तो अगर रास्ते में डिलीवरी होती तो खून ज़्यादा बहता उसका, तो माँ को भी खतरा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था। जिला चिकित्सालय कई बार चर्चाओं में रहा है डिलीवरी के मामले में, एक बार आप पर भी जो है पूर्व में आरोप लग चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने जो है एक अच्छी पहल की, एक अच्छा संदेश जो है दिया है, क्या कहना चाहेंगे जिला चिकित्सालय की वास्तविक स्थितियों को लेकर? देखो, आरोप तो पिछली बार बिना पूछे ही लगा दिए गए थे, इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं थी। बट उसको अब पीछे जाके रिवर्ट तो हम लोग कर नहीं सकते। बट ये होता है कि चाहे हम ड्यूटी पे नहीं भी हैं, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में भी है, किसी की जान बचाने के लिए अगर हमें इन्फॉर्म किया जाता है, या तो हम चाहे छुट्टी पे भी हैं, कोई फ़ोन भी करेगा कि इस मरीज़ को ये दिक्कत हो रही, तो हम तो पहुंचते हैं हॉस्पिटल, उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बार भी किया, इस बार भी ड्यूटी 8 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन 10:15 तक रुक के उसका ऑपरेशन करके आई हूँ मरीज का। आप स्वयं वर्तमान में प्रसूता हैं, उसके बावजूद 24 होल्स जो है जिला चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं, इसे क्या मानते हैं आप? आपके वहाँ से अगर छुट्टी पर यदि आप जाते तो चिकित्सकों की कमी, वहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, क्या ऐसा कुछ मानकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि 24 घंटे लगातार ड्यूटी करना मेरे लिए भी मुश्किल है प्रेगनेंसी में, तो 24 घंटे तो मैं डिलीवरी तक तो काम करना मैं तो नहीं कर पाऊँगी। हाँ, ये ज़रूर है कि 5-6 घंटे जाके आपको देखना है, या सुबह एक बार मरीज देखना है, वहाँ तक करने की अगर व्यवस्था होती है तो वो ज़रूर मैं मरीजों के हित के लिए कर पाऊँगी।